इनको चाहिए था कि जो 10 साल के शासन में जो जनता के साथ इन्होंने वादे जो किए थे चुनाव में शासन से पहले, तो जो वादे इन्होंने किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। जनता पूछ रही कि भाजपा के नेताओं के चाल चरित्र को जरा देख लें, अगर वो यही चाहते हैं कि बयानों के जरिए उनके तमाम नेताओं का चाल चरित्र का हम लोग उजागर करें, तो मैं प्रधानमंत्री से शुरू करता हूं। तो जितने भ्रष्टाचारी और जितने दागाबाजी लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको समेट के रखे हैं, और आरोप दूसरे के ऊपर, शर्म मानी चाहिए भाजपा नेताओं को। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज 24 पर। मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उनको दवाई देकर और उनकी स्वास्थ्य और उनकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब किया जा रहा है। इसके ऊपर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम का क्या रिएक्शन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो छुटबैये से लेकर कुछ ओहदे वाले लोग जो तरह तरह का बयान, जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस बात से साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जी के जो कदम आगे बढ़े हैं 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने की दिशा में, इसको लेकर के इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा भय पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है, और इसको लेकर नीतीश कुमार जी के ऊपर तरह तरह का ये लोग आरोप भी लगाते रहते हैं और बयान भी देते रहते हैं। जबकि इनको चाहिए था कि जो 10 साल के शासन में जो जनता के साथ इन्होंने वादे जो किए थे चुनाव में शासन से पहले, तो जो वादे इन्होंने किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। जनता पूछ रही कि आपने जो मेरे साथ वादा किया था उन वादों का क्या हुआ? तो दरअसल इनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ है नहीं बताने के लिए, तो इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए अब ज़्यादा इधर आरोपित बयान देने लगे हैं जी। एक मनोज तिवारी का भी बयान है जो भाजपा के सांसद, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर अमर्यादित बात की है। वो बात सुनकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी आजकल गंदी फिल्में देखकर सो रहे हैं और वो जग रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? अब मनोज तिवारी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के नेताओं के चाल चरित्र को जरा देख लें, अगर वो यही चाहते हैं कि बयानों के जरिए उनके तमाम नेताओं का चाल चरित्र का हम लोग उजागर करें, तो मैं प्रधानमंत्री से शुरू करता हूँ। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो इधर मोदी जी के ऊपर जो तरह तरह के बयान आरोप लग रहे हैं, पहले उन आरोपों का जवाब दें। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और सबसे ज़्यादा अत्याचारी और आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCRB का रिपोर्ट है और चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। तो जितने भ्रष्टाचारी और जितने दागाबाजी लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको समेट के रखे हैं, और आरोप दूसरे के ऊपर, शर्म मानी चाहिए भाजपा नेताओं को। आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम को, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखते रहिए एक न्यूज 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ, मैं सदन जी पटना।